मेरठ के सूरजकुंड इलाके में स्पोर्ट्स की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया, लेकिन इस अग्निकांड ने एक बार फिर से प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, क्योंकि ये फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी। रिहायशी इलाके में चल रही इस फैक्ट्री में न आग बुझाने के उपकरण है, न ही फायर विभाग से कोई NOC। फायर विभाग ने आग को कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया। स्पोर्ट्स फैक्ट्री में आग लग गई है मेरे के अंदर। जी, क्या पूरा मामला है सर? क्या ये सूरजकुंड पर एक ट्रैक सूट बनाने की फैक्ट्री है और उसी में आग लगी हुई है। फैक्ट्री ग्राउंड पर 2 स्टोरीज है और उस फर्स्ट गाड़ी है फायर ब्रिगेड, हमारी 7 गाड़ी आ चुकी है और बाहर के जनरल से गाड़ी कॉल करी गई, वो भी पहुंचने वाली है। सर क्या कारण रहा आग लगने का, कुछ पता लगा कितने का नुकसान हुआ? नहीं, अभी नुकसान का आकलन नहीं हुआ है, अभी आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है। कुछ क्या पता निकल गया जांच में, अगर पता लगे तो शॉर्ट सर्किट या? नहीं, अभी संभावना शॉर्ट सर्किट लग रही है कि अभी क्लियर कुछ नहीं कहा जा सकता। फैक्ट्री में जिस समय आग लगी उस दौरान एक चौकीदार और एक कर्मचारी मौजूद था। आग लगने के बाद उन्होंने ऊपरी मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाई। आग किन कारणों से लगी इसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है, लेकिन इस फैक्ट्री में स्पोर्ट्स के ट्रैक सूट के साथ दूसरी चीजों का निर्माण किया जाता है। वहीं आग लगने के बाद से फैक्ट्री मालिक का भी कहीं पता नहीं है। फैक्ट्री नरेंद्र कुमार भूटानी की है। आग से कपड़ा सिलने की बड़ी मशीन भी खाक हो गई है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। मेरठ के सूरजकुंड में ऐसी करीब सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं जो घनी आबादी के बीच चल रही हैं, लेकिन सब अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ये फैक्ट्रियां हादसों को दावत दे रही हैं। मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।